लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। उस रात की आग और लाशों के ढेर में मेरे जीने की आरज़ू, जीने का मकसद दब गया, जल गया। मैं एक आवारा पत्थर बन गया तुम लोगों की तरह, रात से दिन, दिन से रात की तरफ लुढ़कता हुआ। लेकिन उस दिन अनीता के उजड़ते हुए परिवार ने और उसके दिल से निकली हुई आहों ने मुझे अपना उजड़ा हुआ परिवार याद दिला दिया। 4 सालों का भूला हुआ मैं घर वापस लौट आया, मुझे फिर से जीने का मकसद मिल गया। सिंह भाई, अब मैं माफ कर दो, हमको जीने का मकसद कुछ मालूम नहीं। हम लोग तेरे साथ, तेरे साथ। नरसिम्हा, मुझे यकीन हो गया है कि तुम हमारी मदद करना चाहते हो, लेकिन रवि इस बात को कितना समझ पाएगा ये मैं नहीं जानती। रवि, मिलने आई हूं और आप है कि बेरुखी से चले जा रहे हैं। देखो मीनू, आइंदा कभी मेरे घर पे मत आना और मुझसे बात करने की कोशिश भी मत करना। मगर क्यों? क्योंकि तुम्हारे और मेरे बीच जो भी था सब कुछ खत्म हो चुका है, समझी? ऐसे कैसे खत्म हो जाएगा? क्या तुम इतनी जल्दी भूल गए? तुम्हारे जिस्म पे लगी हर एक चोट को 100 गुना करके मैंने अपने जिस्म पे लिया है। तुम्हारा हर दर्द तुम्हारे सीने से गुजरने से पहले मेरे सीने से गुजरता है। रवि, रवि। देखो मीनू, ना ही मैं इस बारे में बात करना चाहता हूँ, ना ही कुछ बोलना चाहता हूँ। रवि, तुम अपने आप को समझते क्या हो? इस तरह बिना कुछ कहे, बिना कुछ बताए ठोकर मार के चले जाने से तुम्हारा मतलब क्या है? रवि, you owe me an explanation. It's not an apology. I owe you nothing, all right? Now get lost. मीनू, मैं हमेशा के लिए तुम्हारी जिंदगी से जा रहा हूँ और आइंदा मुझसे मिलने की कोशिश मत करना। इसको सिर्फ चढ़ने का मौका देकर मैंने गलती की है। मेरी रियायत का तूने नाजायज फायदा उठाया है, मगर अब वही होगा जो मैं चाहूंगा। भूले, सगाई से पहले ये लड़की इस कमरे के बाहर कदम नहीं रखेगी और बाहर से सिर्फ उतनी हवा आएगी जितनी सांस लेने के लिए जरूरी है, इसके सिवा कुछ नहीं, कोई भी नहीं। सच कह रहे हो? हाँ बाप जी, वो नरसिम्हा, अनीता, टेम्पो खान और जो उनके साथ 2-3 है ना, सब एकजुट हो गए हैं बाप जी। नरसिम्हा ने तो अनीता का पूरा घर ही संभाल लिया है। बोले जी बाप जी, कल नीलामी का दिन है जी, सब लोग हवेली में जमा होंगे और शहर सुनसान जी। अपने लठैतों को भिजवा कर वो हराम खोर नरसिम्हा जहां भी मिले उसे मरवा दो। जो हुक्म बाप जी।
नारायणपुर के सरकारी ठेकों की नीलामी शुरू की जाती है। ठेका अनाज के 130 सरकारी दुकानों का, जिसका दाम कम से कम 5 लाख रुपया मुकर्रर किया गया है। आम खास से दरखास्त है कि बढ़ बढ़ कर बोली लगाए। देखो, नारायणपुर चौक के सामने वाली सरकारी जमीन का, जिसका दाम कम से कम 25 लाख रुपया मुकर्रर किया गया है। आम खास से दरखास्त है कि बढ़ बढ़ कर बोली लगाए। 26 लाख, 26 लाख 1, 26 लाख 2, 27 लाख। लो आज ये आ गए हमारे। अरे तू कौन है भाई? ओ मुंशी जी, बाप जी से पूछ लो मैं कौन हूँ। अच्छी तरह पहचानते हैं मुझे। क्यों बाप जी, पहचाना? खूब पहचानता हूँ तुझे। पिट्ठा भीमा, पाए लो शरामखोर को, जिंदा न जाने पाए यहाँ से।